Oh shit, here we go again. Yeah, Faltu. हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रोथर, रोथर जेलिस इज माय नेम, और स्वागत है आपका इस सीरीज में जहां हम बात करते हैं डीटी से रिलेटेड आपके डाउट सेशन की। तो सवाल यहां पर आया है, थोड़ा सा यहां पर कॉमन सवाल है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि कई लोगों को यहां डाउट नहीं होगा, लेकिन जिनको है सवाल ऐसा है, कैन आई गेट यू नो आईआईटी डीएबीबी एचजी एसआईटीएस एमआईटीएच जेआर जेईसी विथ 12th क्लास मार्क्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 12वीं के आधार पर आपको गवर्नमेंट के ये कॉलेज मिल सकते हैं क्या, आईटी एचजी एसआईटी आपको ये कॉलेज मिल सकते हैं क्या, तो मैं आपको क्लियर थोड़ा सा यहां पर कर दूं कि पहला जो सवाल है हम यहां पर ले रहे हैं, कैन आई गेट डीएबीबी और एचजी एसआईटी 12th के आधार पे। तो मैं आपको यहां थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि 12th के आधार पे आईटी और डीएबीबी मिलने के चांसेस ना के बराबर है आपको। जी हां, 12th के आधार पे नहीं मिलेंगे, सीएलसी के आधार पे मिल सकते हैं, सीएलसी में ये कॉलेज मिल सकते हैं, लेकिन 12th के आधार पे नहीं मिलेंगे। 99% चांसेस नहीं है कि आपको 12th के बेस पे आईईटी जिसको हम डीएबी भी बोलते हैं और एचजीएसआईटीएस दोनों इंदौर के कॉलेज हैं, ये मिल जाए। दूसरा सवाल है यहां पर जेईसी और एमआईटीएस मिल सकता है क्या, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जेईसी भी आपको नहीं मिलेगा यहां पर 12th के आधार पे, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, राइट। एमआईटीएस आपको मिल सकता है, लेकिन एमआईटीएस में कुछ ब्रांचेस आपको मिलेंगी राइट 12th के आधार पे, और वो भी आपको मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ब्रांच उस टाइम पे मिलेगी काउंसलिंग के टाइम पे, राइट। सो अब जो कुछ और सवाल है यहां पर राइट इसी से रिलेटेड मैं इसलिए आपको क्लियर कर रहा हूं, 12th से ज्यादा चांसेस होते हैं सीएलसी राउंड में, सीएलसी राउंड में आप देख सकते हो, लेकिन 12th के राउंड में आपको ज्यादा चांसेस नहीं मिलते। उसका एक रीजन ये है कि 12th के साथ साथ सेकेंड राउंड भी होता है, तो पहले सेकेंड राउंड वालों को मौका मिल जाता है, फिर 12th वालों को मिल जाता है, लेकिन जब सीटें बच जाती हैं और कहीं कुछ नहीं बचता है तो भैया सीएलसी आता है। सीएलसी मतलब कॉलेज लेवल काउंसलिंग, तो सीएलसी के बाद कोई काउंसलिंग नहीं होना है, तो कॉलेज की जो भी सीटें बची हैं वो सबको इनको देना ही है, किसी को भी देना है, जो जाएगा उसको मिलेगा, सीधी सी बात ये। सो अगेन यहां पर 12th वाले मैं इसलिए बोल रहा हूं कि JEE अगर आपने दिया है तो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, 12th वालों को चांसेस हैं, गवर्नमेंट चांसेस है, जैसे RGPB में भी कुछ सीटें मिलेंगी, सम्राट अशोक में मिल जा सकता है आपको, उज्जैन में मिल जाएगा, BU में मिल जाएगा, वर्कर रीवा, यहां चांसेस हैं, लेकिन जो आपके सवाल है यहां पर चांसेस नहीं। तीन कॉलेज तो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दो अगर आप 12th के बेसिस पे हो, कौन से, DABB बताया अभी इंदौर का कॉलेज, HGSITS, JEE, ये तीन कॉलेज मिल ही नहीं सकते आपको 12th के आधार पे, राइट। अब हाँ ये जरूर है कि इन कॉलेजेस में आपको सीट मिल जाए सीएलसी राउंड में, तो 12th के आधार पे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं जो JEE की एक काउंसलिंग होती है राइट, सो और फिर सेकेंड राउंड भी JEE के बेस पे होता है, फिर तीसरी काउंसलिंग होती है एग्जाम के क्वालिफाई एग्जाम बेस्ड राउंड जिसको हम बोलते हैं, 12th के आधार पे उसमें नहीं मिलेगा। हाँ आपने अगर 12th की है और आप इस कॉलेज में से जो भी आपने पूछे जाना चाह रहे हो तो आप सीएलसी में जाओ, फिर 12th क्वालिफाई राउंड में नहीं मिलेगा आपको, सीएलसी में मिलेगा राइट। सो अगर एक चांसेस बन सकते हैं, मौका अगर आपको बन सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ सीएलसी में, और बनता भी है नो डाउट, कई कॉलेजेस मिले हैं 12th के आधार पे भी, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। अच्छा इनसे रिलेटेड मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाओ जाके चेक करो, एक वेबिनार सेमिनार करता हूँ 1.5 घंटे का, वहां पर ये सारे डाउट्स हम कवर करते हैं, सारे पॉइंट हमने कवर किए हैं राइट। सो उनको जाके देखना है आपको, एक एक पॉइंट वहां पर कवर किया गया है राइट, और एक कोर्स बनाया हमने, उस कोर्स में डीटी से रिलेटेड सारी चीजें हमने 1-to-1 क्लियर की है, किस रैंक में कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कैसे भरना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और इंटरनली ब्रांच चेंजिंग क्या है, करना है नहीं करना है, बहुत सारी चीज, और सारे सवालों को जवाब वहां पर मिलेगा। सो हर बच्चे के लिए अलग अलग काउंसलिंग कैसे करना है ये भी मिलेगा। सो यार शेयर करो इस वीडियो को अपने तमाम कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब अगेन, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। सो एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड राइट, वो भली पढ़ाई से रिलेटेड हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के डाउट से रिलेटेड हो, या फिर काउंसलिंग से रिलेटेड हो, सो एक डेडिकेटेड चैनल हमने 100% यहाँ पर बनाया है, और उसका मकसद यहाँ पर आपको नीट और JEE से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना है। जाओ जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, नीचे लिंक दिया।